नीलेश, विशाल, 2000 रुपए दिए जा रहे गुलाबी नोट, आपकी तबीयत को गुलाबी कर दे। सो बैक टू क्रिकेट नाउ। और आप सभी टीमें सुन ले, कल भी हम कह रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हम बंधे हुए हैं, और जो अनाउंसमेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी करेंगी वो यहां से आपकी कानों तक सुनाया जाएगा। अब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है कि आपको 2 मिनट का समय दिया गया है फील्ड सजाने के लिए। खुशामदीद हमारे दोस्त, क्या बात है नीलेश जी, आप तो न सिर्फ क्रिकेट बल्कि शायरी की भी सराहना कर रहे हैं। आपका तोहफा सर आंखों पे, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ, जो मैंने कोकनी का शेर कहा था उसके लिए। लेकिन नीलेश जी, एक पर एक फ्री आपने सुनाऊंगा, दूसरा कोकनी का शेर सुनिए कि कौसा बड़ा है ना मुमड़ा बड़ा है, नाला बड़ा है ना सोपारा बड़ा है, कोनाला सांगुन का फायदा जामी, भाई को बड़ी है तो सगला बड़ा है। आइए दोस्तों लौट चलते हैं मापोली क्रिकेट धमाका में, बहुत ही धमाकेदार कमेंटेटर अजय खरत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भावेश, धमाकेदार मुकाबला ये हो सकता है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला सिटी क्रिकेट का, महिंद्रा बनाम बी इंडियन, टॉस जीता है बी इंडियन के कैप्टन ने और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। Yes, I think obviously right decision from the captain of B Indian. Mahindra Sports के लिए जयदास नाइक और कमेंटेटर संदेश पाटिल ने ऑल द बेस्ट कहा है। ओपनर्स भेजना है B Indian आपको, कमेटी कह रही है कि महेंद्र आपको अपना फील्ड सजाना है। सलामी बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए, जमा और उनके साथ मिराज को भेजा गया है ऊपर। आप रणनीति को थोड़ा सा चेंज किया है, मिराज को इसलिए भेजा है कि अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। और जमा बहुत ही टफ इनकाउंटर रहा था पिंपल नहर में, जब 2 रन से मुकाबला हारी थी महिंद्रा से बी इंडियन, एक भी रहा पिंपल नहर में, बहुत ही क्लोज मुकाबला रहा था। दोनों भी बहुत ही मजबूत टीमें हैं सिटी क्रिकेट की। जीतू भुईर भिनार ने भी ऑल द बेस्ट कहा है महिंद्रा स्पोर्ट्स को। महिंद्रा स्पोर्ट आपको आखिरी ऑफिशियल कॉल फील्ड लगाने के लिए कमेटी की जानिब से। लेकिन अजय गरत क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी बड़ी टीमें भिवंडी की जिनका नाम ना सारे हिंदुस्तान बल्कि अब दुनिया में मशहूर हुआ है, और उस दिन जैसा आप मुझे कह रहे थे कि आपने एक से एक जो नाम दिए उस दिन सूरज को सन ऑफ भिवंडी, तो आप कह रहे थे कि इन टीमों को और इन खिलाड़ियों को ऊपर इतना ले जाए तो उन्हें भी समय की पाबंदी करना चाहिए। जी हाँ, कोई भी इंसान क्यों ना हो, समय की कद्र आपको करनी चाहिए। समय का ख्याल रखेंगे तो ही आप आगे बढ़ेंगे। इरफान मुल्ला ने इस वक्त विकेट कीपर बैट्समैन बीसीसी के बी इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा है। और वैसे भी समय और समंदर की लहरें किसी की प्रतीक्षा में ठहरती नहीं है।
जमा स्ट्राइक लेने की तैयारी में, बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक प्लेयर है और जमा अच्छे टच में इस टूर्नामेंट में नजर आए हैं। पहला ओवर लेकर अजित उठा दिया है बाउंड्री के बाहर, पहली गेंद पर चौका। काम गलत कोई कर ये देखिए, पहली गेंद क्रीज के कोने से किया था, खराब गेंद नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर से स्वंग कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर चार रनों के लिए। अच्छे टच में इस सीजन में जमा, और जैसे ही वहां से बाउंड्री चली गई है वहां पर बिलाल शेख को अब तैनात कर दिया गया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान। नंदित ने एंड से अजित इस बार कवर्स के ऊपर से एक और खूबसूरत शॉट, पीछा कर रहे फील्डर लेकिन गेंद जीतती हुई, चार रन और। डेट जमा टेकन हिज चांसेस बट नॉट कनेक्ट प्रॉपरली मिडल ऑफ द बैट, ओवर गोज द कवर्स, कपल ऑफ चांसेस क्रॉस द बाउंड्री फॉर फोर, टू कंसेक्यूटिव बाउंड्री इन टू बॉल्स। टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक था, ऑफ साइड में कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं था, पांच खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे और यहाँ पर आउटफील्ड भी बहुत अच्छी है, एक बार आप इनफील्ड को क्लियर कर देते हैं तो बाउंड्री जरूर मिलती है। दो गेंदों पर लगातार दो चौके, बहुत ही शानदार शुरुआत भी इंडियन की। और अगर हम अजीत की भी बात करें तो इस सीजन में अजीत को भी काफी पसीना बहाना पड़ रहा है अपनी गेंदबाजी में। डीप मिड विकेट पर फील्डर तैनात है इस बार, पप्पे खारिक थे वहां पर, केवल एक रन। एक और अच्छा शॉट था, बल्ले के बीचों बीच लेकर स्लॉग किया था ऑन साइड में। बिल्कुल जमा गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपने एरियल रूट को अच्छा तलाशा था पहले दो शॉट में। शमशुल्ला भाई डॉक्टर 11 टीम ने इस वक्त इंडियन को ऑल द बेस्ट कहा। अजित की गेंदबाजी में हमारे तीसरे अंपायर हैं, वही सर्कल का ध्यान देंगे क्या खिलाड़ी सर्कल में पहले भागा या नहीं, और वही नो बॉल घोषित करेंगे। बहुत ही खूबसूरती के साथ उठा दिया है गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, चार रन। को आने दिया था शॉर्ट आर्म पुल और पावरफुल और गेंद आसमान को छूती भी चली गई डीप स्क्वायर लेग की जाने, चार रनों के लिए। इंप्रोवाइज तरीके से खेला हुआ स्ट्रोक, मिराज ने भी चौके से अपना रन बनाने का सिलसिला शुरू किया है, स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान के। काफी रिलैक्स यहां पर खिलाड़ी नजर आते हुए अब्दुल्ला भाभी प्लेयर्स पवेलियन में भी इंडियन के, और इस वक्त ईशान भूरे हमारे बीच जुड़ते हुए एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, आपका हम इस्तकबाल करते हैं मापोली क्रिकेट धमाका में। अच्छी शुरुआत, बहुत ही पॉजिटिव सोच मैंडेटरी पावर प्ले में लग रही है। दबाव में नजर आ रहे इस समय गेंदबाज अजित, अच्छी गेंद फुल रखा था, डायरेक्ट हिट की जरूरत लेकिन निशाना चूका, डीप में खिलाड़ी है बैकअप करने के लिए, एक ही रन। आप देख रहे हैं इंडियन बनाम महिंद्रा स्पोर्ट, इसकी क्वार्टर फाइनल टीम विजेता धनेश से टकराएंगी, इसके बाद पहला सेमीफाइनल ग्रामीण से होने जा रहा है मित स्पोर्ट कवाट और जयदुर्गा सुरई के बीच में। इस बार हेलीकॉप्टर ड्राइव सीधे फील्डर के पास, डायरेक्ट हिट, अपील वहां पर लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। क्या क्रिकेट हो रहा है,
एक ही एक्शन में गेंद को पकड़ा था बिलाल शेख ने और एक ही एक्शन में निशाना ठिकाने पे लगता हुआ। ये देखिए बहुत खूबसूरत हेलीकॉप्टर स्ट्रोक था, उतनी बढ़िया फील्डिंग, थ्रू उतना तेज, लेकिन अपने बल्ले को उतनी ही तेजी से स्लाइड करते हुए पहुंच गए जमा। ओवर की समाप्ति, 15 रन बिना किसी नुकसान के, बहुत ही खूबसूरत नजारा। ये देखिए जो ड्रोन कैम है उससे ये दिखाया जा रहा है। बिल्कुल स्पाइडर कैम, ड्रोन कैम से ये नजारा लिया गया है। कोई कह नहीं सकता कि इस वक्त हम मापोली के फौजी क्रिकेट ग्राउंड पे, ये देखिए आसमानी मंजर, ओहो दिल को छू लेने वाला, ऐसा लग रहा है ऊपर से कि मानो राजकोट का क्रिकेट ग्राउंड हो, जिस तरह से ऊपर से दिखाया जा रहा है। प्रिंस मूवीज, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करता हुआ। ये देखिए पूरा आसमानी नजारा आप देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत, दिल को छू लेने वाला। जी हाँ, तबीयत खुश कर देने वाला, सीधा कह दीजिए कि तबीयत हरी होगी। नजारा भी तो हरा भरा है बाजू में, लाजवाब बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर बी इंडियन के लिए। 15 रन पहले ओवर में आए हैं। इस समय असद नाचन ने तलवली से महिंद्रा स्पोर्ट्स को ऑल द बेस्ट कहा है। सभी दिशाओं से दिखाया जा रहा है पंकज अलीरा हाई स्कूल एंड से अपना ओवर शुरू करने की तैयारी में। पंकज की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस, लेकिन सफाई से खेल नहीं पाए थे। हालांकि मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं था, दूसरे की कोशिश और दो रन पूरे होते हुए मिड ऑफ से आए थे बिलाल शेख। अच्छी सोच वहां पे, पुश किया था ऑन साइड में, जमा अच्छे टच में लग रहे हैं। एमजे ट्रॉफी से उन्होंने वापसी की थी सिटी क्रिकेट में और एमजे ट्रॉफी में 2 से 3 बारियां बहुत अच्छी खेली थी और इस मापोली ट्रॉफी में भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। बहुत बढ़िया गेंद आगे रखा था, बीट किया जमा को, विकेट कीपिंग तो लाजवाब। आज रणनीति जहां पे बदल दी बी इंडियन ने, शतरंज की बाजी को पलटा है महिंद्रा ने, यसुद्दीन को बचा के रखा है और दूसरा ओवर मैंडेटरी पावर प्ले में कर रहे हैं पंकज। फिर से फुलर लेंथ, ऑफ स्टंप के बाहर की ओर कर चॉप करने की कोशिश, लेकिन इससे पहले कि शॉट खेलते जमा गेंद निकल गई थी विकेट कीपर के पास। ब्यूटीफुल बॉल, ब्यूटीफुल बॉल, पैक क्राउड हियर एट द फौजी क्रिकेट ग्राउंड। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी, एक और, अब तो परेशानी में नजर आते हुए जमा। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी, इससे अच्छी गेंदबाजी क्या हो सकती है कि जिनकी आंखें जमी है वो रन जमा नहीं कर पा रहे हैं जमा। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये विकेट कीपर का जो प्रेशर है वो बल्लेबाज पर है और इससे गेंदबाज का उत्साह बढ़ रहा है। बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे पंकज। ओहो हो, क्या वहां पर कोई कॉइन रखा गया है, 1 रन पूरा किया। यस, नपी तुली गेंदबाजी, मानो नाप तोल के गेंदों को कर रहे हैं और इस तरह की गेंदबाजी वाकई में आउटस्टैंडिंग रहती है। ये देखिए फिर से गेंद जमा के आगे थी ब्लॉक होल्ड में, इस गेंद को आप क्या कर सकते हैं, पिछले पांव पे ज्यादा चले गए थे जमा, अब जाके उन्होंने 1 रन जमा किया। बहुत ही किफायती ओवर साबित होता हुआ पंकज का, ऐसा ओवर बहुत कम देखने को मिलता है टेनिस क्रिकेट में और वो भी मैंडेटरी पावर प्ले में। सिर्फ 3 रन खर्च किया अभी तक पंकज ने। अब स्ट्राइक मिराज के पास, पुल पर लिया, उठा दिया, 6 रन, शानदार। ये देखिए बैकलिफ को कितने जल्दी नीचे लाए थे, खराब गेंद तो नहीं थी, शॉट बनाया वहां पे, मेक्स दी स्ट्रोक।
निश्चित रूप से कलाइयों में केवल ताकत भर दी थी, उन्होंने झटका दिया कलाइयों को और सीधे मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान सीमा रेखा के बाहर निकाल दिया 6 रनों के लिए। मैच में लगने वाला पहला सिक्सर, मैंडेटरी पावर प्ले की समाप्ति, 24 रन बिना किसी नुकसान के बी इंडियन। अब तक 2 कीर्तिमान टूटे हैं, पिछले 25 साल के 25 बैट्समैनों ने सिक्सर का हैट्रिक लगाया है और लगभग सिक्सर से खाता खोलने वाले बैट्समैनों की जो तादाद है वो है 86। ये देखिए फिर से ड्रोन कैंप, स्पाइडर कैंप की आंखों से बताया जा रहा है। हाईवे पे गाड़ियां भागती हुई, दूर कहीं मापोली का खूबसूरत कस्बा, ये तो बहुत ऊंचाई से लिया हुआ व्यू है, बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। प्रिंस मूवीज, नाम भी तो प्रिंस रखा है उन्होंने और काम भी उनका वैसा ही है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ मैदान के क्या कुछ है ये दिखाया जा रहा है और रवि ने स्वयं इस कोऑपरेट किया था। अदनान भाभे हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है, बहुत खूबसूरत टेलीकास्ट। खेल की शुरुआत होती भी मरता क्या ना करता गैसुद्दीन शेख को बुलाया गया है। गैसुद्दीन शेख अपना पहला ओवर लेकर नंदित ने एंड से, कैप्टन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय, विकेट की तलाश में महिंद्रा स्पोर्ट्स। शॉट ऑन पोल, हवा में गेंद, कैप्टन वहां पर और बढ़िया कैच। आउट हो गए बैट्समैन जमा। ये देखिए अधिक छोटी गेंद नहीं थी, पुल जरूर किया था, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं कप्तान जिनसे कैचेस नहीं छूटते हैं। पपे अखारिक पहला झटका लगता हुआ नए बैट्समैन मतीन को ऊपर भेजा है, जबकि बाबा का आना बाकी है जो बहुत ही इनफॉर्म चल रहे हैं। दानिश को कभी भी ऊपर भेजा जा सकता है। पपे अखारिक ने जो बॉलिंग चेंज किया वो काम आता हुआ, विकेट टेकर गेंदबाज है, 4 मैन ऑफ द सीरीज, 1 नंबर पर रैंक कर रहे हैं ऑलराउंडर की फहरिस्त में गैसुद्दीन शेख, भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। हवाएं बहती हुई इस समय मैदान के ऊपर से, नए बैट्समैन मतिन नॉन स्ट्राइकर इन पर, इस बार गेंद के लाइन के अंदर आकर निकाल दिया था, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग शॉट फाइन लेग पर, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है, 3 रन बचाए और मेरे ख्याल से वहां पे आकाश थे जिन्होंने 3 रन बचाए। ये देखिए बहुत तेज निकल गई थी, गेंद की लाइन के अंदर आए थे, गेंद बल्ले के ऊपर टकराई थी, लेकिन बढ़िया फील्डिंग। आकाश जो पहले 2 मुकाबलों में खेले नहीं थे, मतिन की रणनीति किस तरह की रहेगी ये भी देखने लायक होगा, रोचक रहेगा। आते ही पुल किया है उन्होंने, फील्डर तैनात है पप्पा खारी के वहां पर, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। पप्पा खारी को भेदना वैसे भी आसान काम नहीं है, आउटफील्ड के बहुत ही अच्छे फील्डर है। मिड विकेट और स्क्वायर लेग का जो इलाका है दोनों को कवर कर रहे हैं इस समय। यॉर्कर लेंथ एंड वक्त पर बल्ला नीचे लाते हुए ड्राइव किया, मिसफील्ड, बिलाल शेख से गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, निकल गई बाहर। साधारण सा क्षेत्र रक्षण, ये देखिए गलतियां बड़े खिलाड़ी से बड़े मैच में हो जाए। बैकलीफ को नीचा किया था, बढ़िया ड्राइव किया था, आज अच्छे टच में लग रहे हैं मिराज, और गलतियां जब बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी से होती है तो बड़ी महंगी भी पड़ती है, बड़ा नुकसान होता है। 4 रनों से स्कोर उछलता हुआ 30, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में अभी तक
केवल 6 रन बने हैं। आंखें हटा ली थी लेकिन काफी फाइन चली गई गेंद, 4 रन, ये किस्मत वाले 4 रन मिलते हुए। ये देखिए एक और चौका आता हुआ, इस मर्तबा आंखें हट गई थी लेकिन गेंद, ये देखिए बढ़िया कोशिश, वहां पे डाइव करके रोकना चाहते थे, गेंद पीछे चली गई 4 रनों के लिए। 2 चौके आते हुए यहां पर और मिराज आज अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। मिराज को भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रन कैसे आ रहे हैं, रन आने जरूरी। एक बार फिर से ग्यासुद्दीन शेख राइट ओवर द विकेट, अपने कदम चूके डेड बॉल का इशारा करते हुए अंपायर शकिल कोटी, गोकुलदास पाटिल और तीसरे अंपायर शाहिद मोमिन इस मैच के लिए। स्लो इन कटर, हवा में गेंद, फील्डर काफी दूर रह गए, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। आकाश तो कमाल कर रहे हैं आज, बिल्कुल जिस तरह चीता झपटता है उस तरह गेंदों पे झपट रहे हैं आकाश। ये देखिए ये स्पेशल गेंद है ग्यासुद्दीन शेख की, इस पर तो कई बैट्समैन है जो चकमा खा जाते हैं, स्लो इन कटर करते हैं, स्लो बाउंसर करते हैं। ये देखिए गजब की फील्डिंग, हालांकि पूरी तरह से फिट नहीं है आकाश, फिर भी खेल रहे हैं। उनके बाएं हाथ में चोट लगी थी लेकिन एक ही हाथ से फील्ड कर रहे हैं, कमाल की फील्डिंग की है उन्होंने। ओवर समाप्त हुआ तीसरा, 35 रन एक विकेट के नुकसान पर बी इंडियन। थैंक यू अजय ग्रत, एंड ऑफ द थर्ड ओवर, बी इंडियन राइट ऑन टॉप नाउ 35 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। नो मेडल कॉन्फ्रेंस प्लीज, महेंद्र स्पोर्ट्स कैप्टन। And look at that, the beautiful view of the ground from Throne Camp. Enough space there for the parking as well. Beautiful. Right of us there is a grassy and behind us there is a green, lush green. So back to cricket now, 35 for the loss of 1 wicket. Miraj playing superb knock for his side. Help of 3 boundaries and a 6. He is on 21. Zama is out for 13 and Mateen on 5. Batting power play taken, signaling from इस समय तलवली से ग्यासुद्दीन और आकाश के लिए ऑल द बेस्ट कहते हुए आदित्य जाधव और हर्ष जाधव। Is going to be Suresh Pardi brought into the attack. Facing him batsman Miraj, who is on 21. Suresh Pardi up to the wicket now. Bows to Miraj, try to paddle sweep. Wet bomb pass signal, half a dead appeal for LBW. No signal from umpire off the bat. Ball is travelling backward of the point. Sachin Gaikot is there and with the stroke batsman through for 1. Good delivery first up from Suresh Pardi. Yes, I think umpire is the best judge. Knee cage of the bat, we can't say from here. 1-2 is gone now. His score was up to 36 for the loss of 1 wicket. Pardi reaches bowling mark, turn from Alira High School end. Left arm over the wicket, facing him Mateen, man of crisis. Bows to Mateen, slower 1, swinging yorker, lovely delivery from Pardi. Mateen check his stroke and soft end drive. Any guess 1? Bilal Sheikh is there. Pardi looks in control today. 2 very good deliveries in this over so far. Is not allowing batsmen to free the arms. What a match going on between B Indian and Mahindra Sport. And there we watch Suresh Pardi turn from far end up to the wicket now.
slow run this time, chipped away in the air, but ball is dropping, no man's land, and enough time batsman gets two. There is a loud shot for run out, but finally batsman Mateen safe in. Indian delighted here, a very good start indeed. 38 for the loss of one wicket. Have a look at that slow one from Pardi. So 2-2 score now. Score was up to 38 for the loss of one wicket. Beautiful climate, outstanding cricket condition here at the Fozi Cricket Ground, Mapoli. Pardi reaches bowling mark. Turn from far end. Turn from Alira school end. Left arm over the wicket. Goes to Mateen. Dash 6. What a shot. Superb stroke indeed. And this is a typical Mateen stroke. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. All the way to the backward square leg for a glorious 6. This is Mateen for you. Have a look at that. Right from the middle of the bat. This is one of his favorite shots. Great hit. 6 more to total now, and his score bouncing to 44. Fourth over in progress. 2 hours are left after this, and runs coming very easily. Zama is out for 13. Miraj playing on 23. Mateen on 8. Now play held up. Yes, there is a new ball. Asif Sheikh done a hard job there. Finds the ball from behind the VIPs. So his score is 44 for the loss of one wicket. B Indian showing their batting class. Mahindra is the number one team so far in Taluka cricket. Mateen played is a favorite shot in front of his legs. Pardi bows. This time another biggie. 6 runs. What a shot. This last one was huge hit. Once again, right from the middle of the bat. Ranking shot there. Suresh Pardi quickly gets into the position. B Indian on fire, Mateen on fire, and 50 coming up just in 3.5 hours. What a batting. 50 in very quick time for B Indian in just 23 balls. And Mateen frees his arms now. He is on 14. Suresh Pardi has been very expensive in this season. Today is the birthday of Jimmy Adam. In 1968, Jimmy Adam born. This time slow bouncer, wait for umpire signal, wide signal. 2-2 is score now. His score was up to 52 for the loss of one wicket. Run festival from B Indian and against the strong bowling. This is now clear frustration for the bowler. Back-to-back sixes and then he bowled wide. Last one was Chinaman, but way outside the leg stump. This time, fine delivery up to the batsman. Miraj looking for a on drive. Finally, no damage has been done. That marks end of the fourth over. B Indian 52 for the loss of one wicket. 4 ओवर की समाप्ति और 52 रन एक विकेट. अजय करत 2 ओवर बचे हैं और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं मापोली गांव का. और अगर मापोली के वासी भी इसे देख रहे होंगे तो पहचान नहीं पाएंगे कि उनका अपना इलाका है. स्पाइक कैंप जिसे कहते हैं ड्रोन कैमरे से इस मंजर को लिया है. हाईवे पे गाड़ियां दौड़ती भी बहुत खूबसूरत कैमरा वर्क और मिक्सिंग वर्क देख रहे हैं हम प्रिंस मूवीज का. दिल को छू लेने वाला मापोली गांव का ये नजारा. और ये देखिए मैदान फौजी क्रिकेट ग्राउंड.
मरता क्या ना करता गैसुद्दीन को कंटिन्यू रखा गया है। ग्राफिक आप देख सकते हैं, तीन टावर बने। पहला टावर बहुत ऊंचा था 15, दूसरा सबसे ऊंचा आया था ग्राफिक में, हालांकि चौथे टावर को ऊंचा दिखाया जा रहा है। खेल की शुरुआत होती हुई गैसुद्दीन शेख क्लास के ऑलराउंडर है, बहुत ही किलर स्ट्रीक है। राइट आर्म ओवर द विकेट, बहुत तेज निकल गई, अपील कॉट बिहाइंड की, अंपायर सहमत नहीं। ये गैसुद्दीन शेख है, इनकी कौन सी गेंद धीमी आएंगी और कौन सी तेज। जहां विविधता रहती है इनकी गेंदों में, ये काफी तेज निकल गई थी। विश्वसनीय अपील भी हालांकि की थी गैसुद्दीन ने, लेकिन किनारा नहीं लगा था। और जब गैसुद्दीन शेख पे आप दबाव डालते हैं तो ये ज्यादा निखर जाते हैं, क्योंकि बहुत महान खिलाड़ी हैं गैसुद्दीन शेख। इस मार दबाव भेज दिया मतीन ने गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 6 रन। ये तो पुराने मतीन नजर आ रहे हैं, तीसरा छक्का जड़ा है उन्होंने, विंटेज। बहुत जल्दी परख लिया था गेंद की लेंथ को, ये देखिए पहली पोजीशन में आ गए थे, अंदर की तरफ आए। ओहो कमाल का शॉट, कमाल और धमाल करते हुए। और मतीन तो ऐसे बैट्समैन है, एक बार रंग में आ गए तो सारे रंग बल्लेबाजी के सामने आते हैं। हालांकि जब तक वो फॉर्म में नहीं थे, बिन गेंद दबाव में चल रही थी, लेकिन उनका फॉर्म में आना मानो ऑपोजिशन के लिए खतरे की घंटी। गैसुद्दीन एक तुम्हारी एक हमारी, फुल टॉस गेंद खेल दिया है, पपिया खारिक ने छलांग लगाई, गजब की फील्डिंग। ये कप्तान है, ये तो अपने आप को झोंक रहे हैं आउटफील्ड में। 2 रन बनते हुए स्कोर 60 पे पहुंचा है, 1 विकेट गंवाने के बाद। 2 रन बनते हुए और 2 रन बचते हुए, क्या कमाल की फील्डिंग है, अपने आप को झोंक दिया। ये देखिए ओ हो हो, शोएब कुदाई ने भी इंडियन और मापोली ट्रॉफी के लिए शुभकामनाएं दिए। इस मार दबा, ये भी जाएंगी बाहर, आसमानी तूफानी छक्का और गैसुद्दीन हो गए हक्का बक्का। ये जबरदस्त कॉन्टेस्ट देखने को मिल रहा है दर्शकों को, धीमी गेंद डाली थी हाथों के पीछे से गैसुद्दीन ने, रिप्ले में देखना चाहेंगे हम, परख लिया था उसको बहुत जल्द मतीन ने। ये देखिए और कितनी दूर जाकर गिरी है गेंद मैदान के बाहर। इस वक्त सलाम शेख ने, जो हमारे बहुत खास हैं मापोली ट्रॉफी की सफलता के लिए, सभी को उन्होंने मुबारकबाद दी। दबाव में आ गए गैसुद्दीन, लेग स्टंप के बाहर वाइट का इशारा। बी इंडियन का स्कोर इस समय 67, 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 67 रन। गैसुद्दीन शेख राइट आर्म ओवर द विकेट, एक और आसमान में खेला हुआ स्ट्रोक और गेंद जाएंगे मैदान के बाहर, 6 रन। मतीन आज तो मानो टूट पड़े हैं गैसुद्दीन शेख पर, आज तो ऐसा लग रहा है कि ये रुकने वाली चीज नहीं है और जो आ रहा है वो खा रहा है। गैसुद्दीन के इस ओवर में 3 सिक्सर्स लग चुके हैं, तीनों भी मतीन के बल्ले से, इस बार ऑस्टम के बाहर से लपेटा गगनभेदी शॉट। यही तो कारण है कि बी इंडियन के फैंस इतने ज्यादा हैं। ये टीम किलर स्टिक टीम है, इस टीम ने एमजे ट्रॉफी में एनआर को 10 रन भारी दो ओवर में कर दिए थे। इस टीम ने यही महिंद्रा के सामने 2 ओवर में 42 चाहिए थे, 2 रन से मुकाबला हारी। शगफ जुल्फार हमसे जुड़ते हुए आपका इस्तकबाल है। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर देखना है क्या कुछ हुआ है। ये देखिए रन पूरा होता हुआ बाई के रूप में,
तो 5 ओवर की समाप्ति और 74 रन। अगली दोनों टीमों को सेमीफाइनल के टॉस के लिए आना है। नीलेश ग्रो फैम टीम, नीलेश ग्रो फैम टीम मिथ स्पोर्ट कवाट के कैप्टन और सुरई के कैप्टन। पिछले ओवर में ग्यासुद्दीन भी सिल्वर जुबली बनते बनते रह गए, 22 रन खर्च किए उन्होंने, लेकिन दो ओवर में ग्यासुद्दीन शेख जब 37 रन देंगे तो जो जीत का सूत्र है की ऑफ सक्सेस वो उल्टा हो जाएगा। बी इंडियन ने कल पायनियर को जहां शिकस्त दी वहीं से अपने इरादे साफ कर दिए थे। कोई भी बाइक आप अंदर नहीं आएंगी, चाहे वो कमेटी की हो चाहे बाहर की, आपको पार्किंग जोन में बाइक को पार्क करके फिर अंदर आना है। क्या लगता है और कितने रन यहां से बनेंगे? लेकिन ये फिर से आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे की आंख से लिया हुआ खूबसूरत मंजर मापोली क्रिकेट ग्राउंड का ग्राफिक दिखाया जा रहा है। ग्यासुद्दीन ने तो लंबा टावर बना लिया है वहां पर जिसमें 22 रन खर्च किए, सिर्फ 9 रन दिए। पंकज ने अच्छी गेंदबाजी की लेकिन उनकी आखिरी गेंद को बहुत जबरदस्त सिक्स लगाया था मेराज ने। अब गेंदबाजी के लिए अजीत, इनको तो लाइन वाली गेंदबाजी करना पड़ेगी क्योंकि आपको तो पता है कि सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है। इस समय आसान नहीं है गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करना क्योंकि मतिन अपने पूरे शबाब में नजर आते हुए। अली रहा स्कूल एंड से इस पारी का आखिरी ओवर लेकर अजीत, पहले ओवर में 15 रन खर्च किए थे अजीत ने। गेंदबाजी के लिए अजीत, समय में कॉपरेट करें प्लीज। इस मरतबा अच्छी गेंद थी और आगे खींचा था वहां पर अजीब वो गरीब शॉट खेलना चाहते थे। बहुत खूबसूरत गेंद अजीत की, बीट किया मतिन को। आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा अगले पांव को लंबा खींचा था वहां पर और गेंद भी नीची रही थी। कवाट टीम के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल, और सुरई टीम के कैप्टन हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने आना है। और वो इस मरतबा बैकलिफ को नीचा किया, ड्राइव किया गेंद को डीप मिड ऑफ पे, एक रन बनाए। अरे से मिस फील्ड होती हुई गेंद जा रही है पीछे, ये आज क्या हो रहा है? 4 रन तोहफे तो 3 दे चुके हैं अब तक यहां पर महेंद्र। ये भी एक चिंता का विषय रहा है महेंद्र स्पोर्ट्स के लिए, ग्राउंड फील्डिंग बहुत ही खराब रही है। इससे पहले बिलाल शेख के हाथों से मिसफील्ड हुआ था, बाउंड्री चली गई थी और अब हरीश पाटिल आसानी से रोक सकते थे। गेंद काफी अच्छी थी अजीत की लेकिन बाउंड्री मिलती हुई मतिन को। 5 छक्के जड़ चुके हैं मतिन अपनी पारी में और 1 चौका। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए नौशाद पटेल, सिकंदर पटेल सभी गहरी आंखों से देखते हुए। इस मरतबा लिफ्ट कर दिया है 6 रनों के लिए वाइडिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। कमाल की पारी खेल रहे मतीन, जब भी गेंद को हवा में खेल रहे गेंद बाउंड्री के बाहर ही जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आज उनका कॉन्फिडेंस देखिए, उनका फॉर्म देखिए, खराब गेंद नहीं थी, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, 6 रन। और यही तो बात है क्रिकेट में, फॉर्म इज टेम्पररी लेकिन क्लास इज परमानेंट। और वो फॉर्म में आए तो सभी टीमें अब सोच रही होंगी क्योंकि ये ऐसे बैट्समैन है कभी भी शुरू हो जाते। इस मरतबा आगे रखा था स्वीप करने की कोशिश और मतीन के लिए बलिदान देते हुए मेराज, ये अच्छी सोच है। पहले सोच रहे थे मतीन की रन लिया जाए लेकिन देखा उन्होंने कि वो अच्छे टच में है और मिराज ने भी कहीं ना कहीं ये बात समझी थी कि मतीन का क्रीज पर रहना जरूरी। वाकई में क्योंकि अदब का काफी जोक है मेरे से, फिर मांग की गई है शेर की तुम्हें
अर्ज करना चाहूंगा कि कितनी जल्दी ये मुलाकात गुजर जाती है, प्यास बुझती नहीं बरसात गुजर जाती है। उनकी यादों से कहो इस तरह आया ना करे, नींद आती नहीं और रात गुजर जाती है। इस मरतबा ड्राइव किया आउटफील्ड में, एक रन बनाए, दूसरे के लिए जा रहे हैं और आउट मतिन। बहुत ही बेहतरीन पारी खेली मतिन ने अपने टीम के लिए, 45 रन बनाए और अर्ध शतक से जरूर चुके हैं, लेकिन टीम की जो पोजीशन है वो शतक की तरफ ली जाए। उन्होंने 6 सिक्सर लगाए मतिन ने, गजब की पारी, जोरदार तालियों से उनका स्वागत होता हुआ, बेस्ट इनिंग फ्रॉम मतिन। हालांकि बिलाल शेख भी अर्धशतक लगा चुके हैं, कल उन्होंने 52 रनों की पारी खेली थी, 300 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, केवल 14 गेंदों में 85 रन हो चुके हैं, 85, 80 के ऊपर जो रन बने अजय गरत वो रोल अदा कर सकते, क्योंकि आप जब लंबा लक्ष्य चेस करते हैं। हालांकि माना बिलाल शेख बहुत फॉर्म में, गैसुद्दीन है, सचिन गायकवाड बहुत खतरनाक है, नो डाउट एट ऑल, पारदी को ऊपर भेजा जा सकता है, लेकिन मानसिक दबाव भी तो रह सकता है। इस मरतबा फ्लिक किया, बहुत ही खूबसूरत कलाइयों का उपयोग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो विशाल पाटिल का, एक रन, तो कुल मिलाकर 86 रन बने, 87 रनों की चुनौती रखी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं मैदान में, पहला सेमीफाइनल मुकाबला ग्रामीण पूल से खेलने वाली टीमें सुरई और कवाट, और वहां मौजूद है मेरे साथी कमेंटेटर अजय घरत। आइए दोस्तों, हम मापोली ट्रॉफी 2017 के पहले सेमीफाइनल का टॉस यहां पर करने जा रहे हैं। ग्रामीण क्रिकेट से ये सेमीफाइनल रहेगा। मेरे साथ दोनों भी टीमों के कैप्टन आ चुके हैं, विनोद पाटिल जय दुर्गा सुरई के कैप्टन और संतोष मित 11 कवाड़ के कैप्टन। हमारे बीच महबूब राजस्थानी साहब मौजूद है, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको नीचे आना है, और साथ ही अब्दुल रहमान पटेल साहब भी, दोनों भी मेहमान हमसे जुड़ते हुए, वेलकम सर। विनर कहना है विनोद का, विनर ही आता हुआ, थैंक यू सर। विनोद काय वाटतं, नाणेफेक महत्वाची आहे या सामन्यामध्ये? हां, नाणेफेक तर खरोखर महत्वाची आहे या सामन्यात। काय निर्णय आपला, फलंदाजी प्रथम की गोलंदाजी? गोलंदाजी। समोरचा संघ सुद्धा चांगला खेळला आहे, त्या संघाला आपण कसं पाहता? समोर संघ हा पण कवाड चांगला आहे, कारण चांगल्या खेळल्यामुळेच ते पण सेमीफायनलला पोहोचलेत, आणि आम्ही पण चांगला खेळूनच सेमीफायनलपर्यंत पोहोचलोय। मला सांगा, आपल्या संघाने अशी कुठली चांगली गोष्ट केली आहे त्यामुळे आपला संघ दुसऱ्यांदा सलग सेमीफायनलमध्ये पोहोचलाय मापोली ट्रॉफीमध्ये? खरोखर या इथं मापोलीवाल्यांचं जे प्रेम आहे त्यांच्यामुळेच आम्ही इथं गेल्या वर्षी आम्ही सेमीफायनल खेळलो, आणि या वर्षी आम्ही सेमीफायनल खेळतोय, आणि आमच्या टीममध्ये खरोखर माझे जे संघ सहकारी आहेत, कारण एका खेळाडूने काही संघ पूर्ण पुढे जात नाही, त्याच्यात जे 11 खेळाडू म्हणून एक संघ तयार होतो, आणि त्यांच्या सर्वांचा सहकार्य हा त्यांच्या सर्वांच्या सहकार्यानेच हा संघ पुढे आलेला आहे। शेवटचा प्रश्न, 4 षटकांमध्ये काय वाटतं किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कवाड संघ पण हा चांगला आहे, आणि त्यांना आम्ही कमीत कमी धावत रोखण्याचा प्रयत्न करणार। ऑल द बेस्ट विनोद पाटील। संतोष स्वागत आहे आपलं। संतोष, नाणेफेक आपण हारलेला आहात, काय वाटतं नाणेफेक महत्वाची होती तुमच्या दृष्टीने? निश्चितच महत्वाची होती, आणि जर नाणेफेक जिंकली असते तर काय केलं असतं? आपण क्षेत्ररक्षण केलं असतं, परंतु आता फलंदाजी करायची आहे, 4 षटकांमध्ये कुठपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न राहील? 50+ जाण्याचा प्रयत्न करू। सेमीफायनलमध्ये आपण तोच संघ खेळणार आता आहात की जो क्वार्टर फायनलमध्ये खेळला होता? नाही, मागच्या सामन्यातील संघ असेल। आणि मापोली ट्रॉफीचं हे जे आयोजन आहे,
आतापर्यंत आपण खूप चांगले क्रिकेट सुद्धा खेळलेला आहात, आयोजन सुंदर आहे, प्रेक्षक भरपूर पाहत आहेत तुम्हाला, त्या प्रेक्षकांसाठी काय? प्रेक्षकांनी भरपूर सपोर्ट केलेला आहे, आमच्या गावातील सुद्धा प्रेक्षक आहेत, तसेच माहुलीचे प्रेक्षक चांगल्या क्रिकेटला सपोर्ट करतात, ते पाहून जरा चांगलं वाटतंय आणि चांगलं खेळण्याची जिद्द पण तयार होते. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट संतोष. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस ऑफ फर्स्ट सेमीफायनल ऑफ माहुली 7. जय दुर्गा सुराई वन द टॉस अँड दे विल बी बोलिंग फर्स्ट. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू अजय गडात. आइए हमारे बीच में मोहतरम अब्दुल रहमान पटेल साहब हैं, उनकी हम इज्जत अफजाई कर रहे हैं. अब्दुल रहमान पटेल साहब, उनकी इज्जत अफजाई इस वक्त बाजिल पटेल के हाथों से हो रही है. बहुत ही मशहूर शख्सियत हैं अब्दुल रहमान पटेल साहब. और अजय गरत, आपको माइक देने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ बिलाल शेख, बिकॉज ही इज टोटल इन फ्रंट ऑफ महेंद्रा. ही इज द की प्लेयर ऑफ ऑल ओवर इंडिया टेनिस क्रिकेट रैंकिंग ऑन नंबर 3. द क्लास इज परमानेंट, द फॉर्म इज परमानेंट. दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ बिलाल शेख. ही प्रूव हिमसेल्फ इज द क्लास प्लेयर एंड लुक एट दैट. Siddiq Bhabe with Ajay Gharat. Nice telecast comes to you from Prince Movies. Na sirf Bilal Sheikh ki pariksha rahegi balki puri Mahindra team ki yahan par pariksha hai. 6 over mein 87 run banane hain jeetne ke liye. 14.50 run prati over ke hisab se run banane ki chunauti pari ki shuruaat se hi bahut hi जबरदस्त पारी खेली मतीन ने, गजब की पारी खेली आज. सिर्फ 14 गेंदों में 45 रन बनाए जिसमें 6 खूबसूरत सिक्सर्स शामिल थे और एक चौका. 23 रनों की बढ़िया पारी मिराज ने खेली और 13 रन बनाए थे जमाने. उजेर आक्रमण शुरू करने की तैयारी में. बिल्कुल, उजेर को इस वक्त देखिए 9 विकेट लिए और इस सीजन के सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज है, रैंकिंग ऑन नंबर 1. दो दिग्गज टीमें आमने सामने हैं और काफी खेल अभी भी बचा हुआ है. मैं कहूंगा इस मैच में पारी की पहली गेंद सामना कर रहे बिलाल. हवा में खेला है फील्डर वहां पर, लेकिन मौका नहीं. 6 रन देखते रह गए फील्डर. ये बिलाल शेख हैं, अगर ये जलाल में आ गए तो फिर गेंदबाजों की खैर नहीं. क्या क्लास है उनके पास, ऐसा लगा ही नहीं कि गेंद क्लियर होंगी. ये उनका क्लास है. आइए देखते हैं ऑफ स्टंप के बाहर से. ये देखिए इस तरह के शॉट बहुत मुश्किल रहते हैं जब आप शॉर्ट आर्म पुल लगाते हैं. और गेंद भी कितनी दूर गई है. डीप स्क्वायर लेग को आसानी से क्लियर किया उन्होंने. टाइमिंग बहुत लाजवाब थी. 37वें बैट्समैन है जिन्होंने, 87वें बैट्समैन है जिन्होंने सिक्सर से खाता खोला है. पहली गेंद पर अपने इरादे जाहिर कर दिए है बिलाल शेख ने. कल 52 रनों की धुआंधार पारी खेली थी उन्होंने और आज भी कुछ उसी तरह के पारी की आवश्यकता महिंद्रा स्पोर्ट्स को. और उन्होंने शॉट भी किसके खिलाफ खेला, वो गेंदबाज जो सबसे ज्यादा विकेट ले चुका है. अब राउंड द विकेट, सीधे बल्ले से ड्राइव किया है, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर फील्डर पहुंचे वहां पर, 1 रन पूरा. आज वो सिर नीचा करके बल्लेबाजी के लिए आए हैं. इरादे और तेवर तो साफ दिखा दिए उन्होंने. बल्ले को देख रहे हैं कि गेंद बल्ले के बीचों बीच क्यों नहीं आई थी. 7 पे पहुंचा स्कोर. कल उन्होंने जो 52 रनों की पारी खेली थी सिर्फ 17 गेंदों में वीरेन स्पोर्ट्स ठाकुरपाड़ा के विरुद्ध. अब जाने वालों से रिक्वेस्ट है कि रनिंग कमेंट्री में आपके मैसेजेस पढ़ना बहुत मुश्किल है. ऑल द बेस्ट बोर्ड टीम फ्रॉम ऑल लवर्स ऑफ तालुका क्रिकेट. दूसरे सलामी बैट्समैन विकेट कीपर बैट्समैन सुजीत नाइक, ये भी बहुत अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, अनुभव काफी है उनके पास.
शॉर्ट पिच गेंद, बहुत ही खूबसूरत पंच, चार रन, एक बाउंस और गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। काफी जगह दे बैठे थे, पीछे भी रखा था गेंद को उजेर ने, और ये बहुत कम देखने को मिलता है कि इस तरह की गेंद उजेर करे। शॉट वाइड एंड हैमर्स, हैमर्स इट, क्रैक्स इट ऑफ हिज बैक फुट एंड बॉल इज रेसिंग ऑल द वे टू द बाउंड्री फॉर फोर। ये भी तो गजब के बैट्समैन है, बी इंडियन के सामने फाइनल में आखिर की दो गेंदों पे दो सिक्सर लगाए, वहीं 12 रन से महिंद्रा जीत गई। इस बार टाइम नहीं कर पाए पूरी तरह से, फील्डर आए और बढ़िया कैच, पहली सफलता मिलती हुई बी इंडियन को। बड़ा झटका, सुजीत नाइक इनफील्ड के ऊपर से खेलना चाहते थे और फिर साबित कर दिया है उजैर ने कि वो विकेट टेकर गेंदबाज है। 10वां विकेट अब तक मापोली क्रिकेट धमाका में। ये लेग कटर किया था उन्होंने, आगे रखा था, फ्रंट फुट को आगे नहीं खींचा था बैट्समैन ने, गेंद हवा में, सिर आसमान में और आउट। स्ट्रोक को नीचे रखने की कोशिश नहीं थी, इनफील्ड को क्लियर करना चाह रहे थे, बाहरी हिस्से पर लगी गेंद बल्ले के, और एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं की मिराज ने। अच्छा कैच, 11 रन एक विकेट के नुकसान पर महिंद्रा स्पोर्ट्स, 4 रन बनाने के बाद आउट हुए सुजीत नाइक। अब भी आया शांतिनगर से रामदास चौगले जी ने काफी तारीफ की है हमारे कमेंट्री पैनल की। ये जरूर जाएगी बाउंड्री की तरफ, फील्डर पीछा कर रहे हालांकि, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे, 4 रन। आउटफील्ड बहुत अच्छी है, फिर से जगह दे बैठे थे और बहुत ही खूबसूरती के साथ गैप में निकाल दिया था बिलाल शेख ने। बहुत ही ज्यादा फॉर्म में नजर आ रहे हैं बिलाल शेख, 2 अर्धशतक लगा चुके हैं इस सीजन में, 2 मरतबा बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट जगह दी थी। बैकफुट पे गए, फ्लैशी कवर ड्राइव इनफील्ड के ऊपर से गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। आतिशी शुरुआत यहां पर महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। इस बार शॉट ऑन पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। हिंदुस्तान के 3 नंबर का क्लास शॉट के पीछे नजर आ रहा है, हिंदुस्तान टेनिस के रैंकिंग में वो 3 नंबर पे रैंक कर रहे हैं। खराब गेंद नहीं थी उजैर की, ये देखिए ऊपर से कौन मना रही थी, लेकिन क्लास को देखे, ओहो खराब गेंद नहीं थी, गेंद के आने का इंतजार किया, शॉर्ट आर्म पुल, पावरफुल गगनचुंबी छक्का, और कुल मिलाकर 1 ओवर में बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई है, 21 रन बने। इसका मतलब है कि महिंद्रा स्पोर्ट ने भी कमर कस लिए, आर या पार कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच का। बिलाल शेख ने रुद्र अवतार धारण कर लिया है पहली गेंद से। वन डाउन बैट्समैन सुरेश पारदी आए हैं और सुरेश पारदी भी बल्ले से कहीं ना कहीं अच्छा कर रहे हैं इस सीजन में। मैं आपको बताना चाहूंगा, ओपन क्रिकेट के कई मान गेंदबाजों से मेरा सबका पड़ा है, बातचीत हुई है, वो कहते हैं सर हम आपके क्रिकेट को भी देखते हैं। माना बिलाल शेख अच्छा खेल रहे हैं भिवंडी में, लेकिन जिस तरह उनका क्लास है और जिस तरह वो हम पे टूट पड़ते हैं, अगर वैसा खेल जाए तो फिर मानो बहुत बड़ा अंतर रहेगा बाकी बैट्समैन और उनके बीच में, और आज कहीं ना कहीं वही देखने को मिल रहा है। आसमान तो बहुत साफ सुथरा है, लेकिन आज चौकों छक्कों की बारिश हो रही है। हाई स्कोरिंग मुकाबला, साइबान फक्की दूर वाले छोर से, जाने दिया गेंद को, कोई भी नहीं रोक पाया, 4 रन, वाइट का इशारा। नहीं, साइबान फक्की के लिए ये सीजन अच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, 5 रन बोनस के दे डाले। ये देखिए कहां गेंद की थी उन्होंने, सामने जो दर्शक है वो हमारे कैमरामैन को डिस्टर्ब ना करे प्लीज, सामने के स्टैंड में प्लीज। 5 रनों का तोहफा महिंद्रा स्पोर्ट्स को मिलता हुआ। साइबान फकी अली राय स्कूल एंड से, बेहतरीन शॉट, गार्डन में भेज दिया, 6 रन। अब तो काउंटर अटैक शुरू हो चुका है,
वो जो कहते हैं ना कि खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, कट्टा तो खरबूजा है। यहाँ गेंदबाजी कट रही है, ये देखिए काटा था ऑफ स्टंप के बाहर से, पुल किया था सुरेश पारदी ने दूर कहीं 6 रन। ये भी अजब खिलाड़ी है, ये बहुत ही एक्साइटेड खिलाड़ी है। मैच जब बड़ा होता है तो दोनों जोश ज्यादा रहता है उनकी बल्लेबाजी में, लेकिन जो अटैक किया इस वक्त इंडियन की गेंदबाजी पे वो तो बहुत ईंट का जवाब पत्थर से देती हुई अभी तक महिंद्रा स्पोर्ट। सोच काफी सकारात्मक है बल्लेबाजों की, कोई दुविधा नहीं है बल्लेबाजों के मन में। सिर्फ 7 गेंदे अभी तक फीकी जा चुकी है और स्कोर देखिए 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब केवल 55 रन यहां से चाहिए। नहीं, आपने इतने रन बनाए और आपने इतने रन लुटाए, हालांकि अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, लेकिन मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत अहमियत का हामिल था। वहां पर जब रनों की लूटमार मचेंगी तो जो बाकी ओवर्स हैं उसमें दबाव बढ़ जाएगा। आपके सामने आस्किंग रन रेट जो था वो लगभग 15 के करीब का था और 1.2 ओवर में आप रन बने, 1.1 ओवर में रन बने 32, इसका मतलब है 7 गेंदों में 32 रन बन जाएंगे, तो फिर बाकी गेंदबाजों पे दबाव खुद ब खुद आ जाएगा। दबाव यही तो बहुत बड़ा शब्द है क्रिकेट के खेल में, इसको किस तरह से हैंडल किया जाए। नया बॉल दो, नया बॉल। गेंद बदली जा रही है, नई गेंद दी जाएंगी क्योंकि दूसरा ओवर चल रहा है और दूसरे ओवर के बाद जब गेंद जाती है, ये देखिए ये भी तो लेकर घूमे थे गेंद को, खींच के मारा हुआ स्ट्रोक 6 रन। और सुरेश पारदी ने जो छक्का जड़ा है पहली गेंद पर, 88वें बल्लेबाज बने इस टूर्नामेंट में जिन्होंने 518 अब तक छक्के लगे। क्या आरके ट्रॉफी का 547 का भी कीर्तिमान टूटने जा रहा है? इनक्रेडिबल कीर्तिमान हो रहे हैं अनमोल नायाब, 2 कीर्तिमान तो टूट चुके हैं, 519 हो चुके हैं और जो रिकॉर्ड है आरके ट्रॉफी 2009-10 में वो 547 सिक्सर का रिकॉर्ड है। क्या क्या नहीं हुआ है इस मापोली क्रिकेट धमाका में। ग्रामीण का एक मैच जिसमें 75 रन बनाए बालगोपाल सरोली पड़ा ने, फिर भी नहीं जीत पाए 4 ओवर में, लेकिन सब हुआ है, लेकिन अच्छा हुआ है। जी हाँ, आज एक अद्भुत हैट्रिक हुई, ऑस्टम के बाहर से लिया है एक और दर्शनीय स्ट्रोक, सीमा रेखा के बाहर निकाल दिया है सुरेश पारदी ने, देखना है 4 या 6 4 रन। सुरेश पारदी ने शायद ये तय कर लिया कि सिंगल भागेंगे नहीं, शॉट को खेल के अपनी जगह पे रहते हैं, ऑन दी अप खेला था, बहुत खूबसूरत शॉट। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से डाउन दी ग्राउंड खेलना बहुत गुर्दे जिगर का काम रहता है। ये विकेट कितना कड़क है, 10वां दिन है लेकिन ऐसे लग रहा है जो पहले दिन विकेट था वही है। पपिया कारिक ने यही कहा था कि सबसे अच्छा विकेट बनाए, क्योंकि उनको पता था कि उनके बल्लेबाज भी इस पे कमाल कर देंगे। सोचने पर मजबूर कर दिया है बी इंडियन के कैप्टन को। फिर से उछाला, इस बार फील्डर के पास और कोई गलती नहीं, सुरेश पारदी जमा थे वहां पर, कोई गलती नहीं की और पहला झटका लगता हुआ, दूसरा झटका लगता हुआ आउट होके जा रहे हैं सुरेश पारदी। स्कोर है इस वक्त 36 रन। देखना है कि यहां से बी इंडियन, लेकिन एक बात अजय गढ़त आपको बताऊंगा, आपने 2006 से बी इंडियन को देखा है, इतने आसानी से तो कोई मैच देती नहीं है किसी को। अदनान भाभे हमसे जुड़ते हुए, रमेश पटेल आपका इस्तकबाल है, थैंक्स हम तमाम स्पॉन्सर्स को कह रहे हैं, इरफान भूड़े, इमरान शाह, फराज टानवाल, बिलाल पटेल, आसिफ टानवाल, फरहान पटेल, दादा पटेल, उबेद अलबे, असलम टानवाल, फरहान टानवाल, नौशाद पटेल, मजाज भूड़े, संजीरी कंस्ट्रक्शन, इब्राहिम खान, सरजील भाबे, मुजाहिद भाबे, सरफराज कुरेशी, सलाम शेख, इमरान पटेल, नईम भूड़े, अंसार भूड़े, अबूतला हलबे एंड बर्दस, मुसद्दिक सूसे, राजू मलकानी, आत्माराम गुलवी, नितिन जोशी, रमाकांत
पाटिल, सुलेमान शेख, सुमित वानी, संतोष वानी, संजय और राधेश्याम जयसवाल, फहीम भाबे, नवील भाबे, दादा डोन, दिनेश चौधरी, पांडुरंग धर्मा पाटिल और धुराज भूरे, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कमाल का क्रिकेट हो रहा है। नए बैट्समैन गयासुद्दीन, ओहो अद्भुत शॉट, 6 रन। ये गयासुद्दीन शेख है, ये भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स है। और दोस्तों इनको मैंने ये भी नाम दिया है, ये आखिरी शॉट देखिए, क्या आपको लगता नहीं कि मापोली क्रिकेट ग्राउंड पे इस वक्त ये भी आए हैं। ये देखिए बिल्कुल अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स, शॉट हूबहू मिलता हुआ। और आज जो काउंटर अटैक हुआ है वहां पर 42 रन हो चुके हैं और कितने ओवर, 1.4 ओवर में 2 विकेट गिरी। इस बार रिवर्स स्वीप की कोशिश अपील लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, मिसफील्ड, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं और दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ। जल्दबाजी कर बैठे वहां पर फील्डर, 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 44 रन, यानी कि 11 गेंदे हुई है उसमें से 7 गेंदे बाहर जा चुकी है बाउंड्री के। बहुत अच्छी गेंद, पूरी तरह से छकाया इस बार गयासुद्दीन शेख को। ओवर की समाप्ति 44/2 महिंद्रा स्पोर्ट्स। हालांकि जयेश पाटिल ने बहुत अच्छा चेस किया था शेखर को लेकर एमजे ट्रॉफी में, लेकिन वही इस साल का सबसे बड़ा चेसिंग है। लेकिन पिछले साल की बात करें तो 94 रन चेस किए थे जॉली के स्पोर्ट कामत गढ़ने मराठा पंजाब को, और ये भी जो लक्ष्य है सिटी क्रिकेट में, ये सबसे बड़ा चेसिंग का टोटल है। अगर इसको अंजाम दिया तो फिर हम कह सकते हैं कि महिंद्रा स्पोर्ट क्रिएट हिस्ट्री। मैंडेटरी पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया, 44 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय महिंद्रा स्पोर्ट्स। 2 ओवर में 44 और 4 ओवर में कितने चाहिए, 43 चाहिए। हमारे बीच एसके स्पोर्ट्स के कर्ता धर्ता और मशहूर पर्सनालिटी हमारे काबिल दोस्त शादाब कोतकर पहुंच चुके हैं। गयासुद्दीन और बिलाल शेख के तो बहुत बड़े फैन है, आपका इस्तकबाल है। ये देखिए सिर्फ टावर ही बने, ग्राफिक में नजर आ रहा है हरे टावर छोटे थे, लाल टावर अब ऊंचे बनते हुए, यानी इसका मतलब है कि पहाड़ियों पे जो कॉम्प्लेक्स है उसकी याद ताजा करती हुई। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है, ये देखिए रणनीति, बिलाल शेख को पता है, गयासुद्दीन को पता है, यहां से मैच मोड़ ले सकता है। ये क्रिकेट रहता है, ये आपका गेम प्लानिंग रहता है। गेम प्लानिंग ये फेल हुआ तो गेम प्लानिंग 2 को आपने यूटिलाइज किया। जी हाँ, जो मोमेंटम बना है उसको बरकरार रखने की कोशिश दोनों भी भाइयों की जोड़ी क्रीज पर, बिलाल शेख और गयासुद्दीन शेख। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन आकिब आए हैं गेंदबाजी के लिए बैटिंग पावर प्ले में, इन्होंने भी प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। यस, और चारा भी तो नहीं था कि तीसरे गेंदबाज को बुलाया जाता, 2 गेंदबाज महंगे साबित हुए, 21 और 23 थी। नंदित ने इनसे लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, अपील, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, नॉट आउट। उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम देखना चाहेंगे रिप्ले में, जिस तरह से उस अपील को नकारा था अंपायर शकील कोटी ने। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, यह ऊंचा लगा था, यही कारण था कि गेंद बेस के ऊपर से जा रही थी और गेंदबाज भी वैसे बीच में आ गए थे गेंद डालने के बाद, अंपायर उनको समझा रहे हैं। और वैसे भी जो संदेह का लाभ था क्योंकि गेंद ऊंची लगी थी और बेल्स को ट्रिप नहीं कर सकती थी, ये भी एक कारण था। एक बार फिर से आकिब सामना कर रहे हैं बिलाल शेख, स्वीप कर दिया है लेकिन डीप में फील्डर तैनात है, डीप स्क्वायर लेग पर केवल 1 रन। अच्छी गेंद, लेकिन बी इंडिया ने ये आखिरी दम तक लड़ते रहती है, किलर स्टिक टीम है, पड़ला बहुत भारी जरूर है यहाँ पर। अगर बी इंडियन को इस मुकाबले को जीतना है तो फिर ये जोड़ी को बाहर करना होगा, और अगर महिंद्रा को जीतना है तो कम से कम 5 ओवर तक तो यही जोड़ी को रहना होगा। और ये ओवर तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, फिर से स्वीप किया है, इस बार गयासुद्दीन ने खेला है शॉट 1 रन के लिए। अच्छी गेंदबाजी पावर प्ले में, 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन खर्च किए युवा गेंदबाज आकिब ने।
मार्जिन फॉर एरर बहुत ही कम है, सटीक लाइन और लेन पर रख रहे हैं इस समय आकिब। पांच खिलाड़ी ऑफसाइड में सर्कल के अंदर, चार ऑनसाइड में नजर आते हुए। बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया है कवर्स के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई, चार रन। क्लास झलकता हुआ बिलाल शेख का, 50 रन पूरे हुए महिंद्रा क्रिकेट स्पोर्ट्स के। केवल 2.4 ओवर्स में 50 रन पूरे किए हैं महिंद्रा स्पोर्ट्स ने। धुआंधार शुरुआत, अपने आप को रूम दिया, बॉटम पर हालांकि लगी थी लेकिन इनफील्ड के ऊपर से कोशिश कर रहे थे फील्डर, लेकिन आउटफील्ड काफी तेज। बहुत खूबसूरत शॉट, और बिलाल शेख आउट। बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, स्क्वायर कट करना चाहते थे और बड़ी विकेट ली है इंडियन ने। आपको सिर्फ कैपिटल में टाइप करना है ब्यूंडी क्रिकेट लाइफ या फिर मापुली क्रिकेट लाइफ 2016-17। बड़ी मछली, ये देखिए जगह नहीं दी थी, रूम बना के खेलना चाहते थे, ज्यादा कटी, मोटा सिरा लगा विकेट कीपर के पास, बड़ी विकेट बी इंडियन हासिल करती हुई। और क्या कहेंगे अजय गरत, क्या यहां से बी इंडियन मैच में वापसी कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट उनको मिला है। बिलाल शेख जो कि बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे थे, 22 रन बनाए उन्होंने आउट होने से पहले, अतिरिक्त थोड़ा सा उछाल था गेंद में। स्मार्ट शहजाद डोन ऐसा लगता है कि बहुत ही मेहमान नवाज हैं, लगातार कमेंट्री बॉक्स में उनकी तरफ से हमें अच्छी अच्छी चीजें दस्तियाब हो रही है, शुक्रिया शहजाद। नहीं, वैसे भी मापोली वालों का जो दिल है वो बहुत बड़ा है। इरशाद अंसारी भी उसमें शामिल है, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। 50 रन 3 विकेटों के नुकसान पर नए बैट्समैन महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन पप्पया खारिक, एक मैच विनिंग पारी इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं। आकिब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पुल किया है गेंद को, गैप में चार रन, एक बाउंस और सीमा रेखा के बाहर निकल दिया, चौके के साथ अपना खाता खोलते हुए। हर एक बैट्समैन आक्रामक रूप धारण कर चुका है। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद 54। एक बात सुनिए, गेंद अंपायर को थमाने की है, आपको कभी भी चेक नहीं करनी है। यहां से कमेटी अनाउंस जो करने कहेंगे वो हम कहेंगे। पारी की शुरुआत में आस्किंग रेट था 14.50 रन प्रति ओवर का, लेकिन अब वो कम हो चुका है। बचे हुए 3 ओवर्स में 33 रन चाहिए, यानी कि 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने की जरूरत। और आपको अगर राजस्थान, बेंगलोर, मैंगलोर, वाड़ा, कसारा, कहीं भी इस ट्रॉफी को देखना है तो SMP 99 चैनल को आपको ट्यून करना है, SMP 999999। धन्यवाद पप्पया भोई। End of the third over, 54 for the loss of 3 wicket. Now 3 overs are left and another 33 needing to victory, 11.00. But there is a key man still there, Ghiyasuddin Sheikh. He's a very dangerous customer in a tight situation. Played a superb knock in previous tournaments. You're watching Cricket Incredible. An incredible match between B Indian and Mahindra Sport. Uzair back into the attack. No. Yes, this is a very good toss from captain of B Indian, Saiban Faki, brought B Indian missile Uzair, most successful bowler in this season. Uzair, facing him batsman Ghiyasuddin Sheikh. Uzair, right arm round wicket,
goes to Gassuddin, check his stock, loose bottom and push, and they threw for one. I think that is a different tactic from Gassuddin, because Papya Kharik want a strike, he attacking and Gassuddin defending. Maybe. That may be the strategy there, using a small back lift. Gassuddin just push it on the upside. Uzair turn from Alira school and Hussein Rajasthani, all the best for B Indian and Rajasthan group also. This time not a very good stock. Loosener try to play through the square leg. Ball is travelling. There is a chance of run out. Wrong and throw. And finally Papya Kharik survives. It's all happening here under pressure in Mahapoli. Papya Kharik was halfway on the pitch, sent back by Gassuddin Sheikh, and he survives there. Still no clear picture so far of this match. Net to net fight going on. This time fine delivery, beautiful ball indeed. Gassuddin check his stock, loose bottom and push copybook style. And there will be no runs. This is an excellent piece of bowling from Uzair. Great delivery that was, full and straight. A swinging yorker. There we watch Uzair turn from Alira school and facing him batsman Gassuddin Sheikh. Ball this time drive, good looking stock. They go for one, equally stop from Asif in deep. Finds the ball, one more to total now. Gassuddin was trying to clobber it over deep mid wicket, but he doesn't get hold of it. Inside half of the bat and just a single. Very at economical least, over. Yes, at least 20 runs extra given by Mahindra's fielding. Poor fielding in first inning. सामने जो पर्दा है उसको आपको खोलना है प्लीज. Uzair Uzair right arm round wicket to Papya Kharik. This one was a biggie, but there is the fielder. Oh ho, excellent taken by Miraj and Papya Kharik on his way. Yet another priceless wicket for B Indian. Captain Papya Kharik is out. He tried to clear the long offense there. It went high in the air and celebration there for B Indian players. Have a look at that. It was up to the batsman of the back foot. So much power behind the stroke. Lot of elevation, but he did not get the distance and fantastic catch on the boundary. Miraj takes second catch in this game. 13 गेंदों में अब 30 रन चाहिए. गजब का मुकाबला. आज हम मिस कर रहे हैं द मैजिकल वॉइस ऑफ मराठी डॉक्टर गवली सर को, जिन्होंने शुभकामनाएं दिए. थोड़ा पीछे लेना है, एक गेंद के बाद अंदर आना है. नए बैट्समैन सचिन गायकॉट, और इनके बारे में तो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो सचिन गायकॉट है ना, न इनके सामने हवा काम करती है न दवा काम करती है. हवाएं भी चल रही है, लेकिन बी इंडियन के उजैर देखना है कि उनके सामने कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं. जी हाँ, देखना है क्या गेंदबाज काम कर पाएंगे. यसुद्दीन शेख इस मरतबा ड्राइव किया, बैकलिफ्ट को नीचा, एफर्टलेस स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ गेंद दौड़ रही है, और दो रन पूरे किए बैट्समैन ने. आप दो ओवर और जीतने के लिए 28 रन, दोनों टीमों को अब बराबर के चांसेस है. हमारे बीच में खानोली के गैसुद्दीन फकीर साहब तशरीफ ला चुके हैं, आपका इस्तकबाल है. महबूब राजस्थानी की आए, हम इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं.
काशिफ अलबे से मैं कहूंगा कि महबूब गौरी उर्फ राजस्थानी गौरी फॉर्म सेंटर के प्रोपराइटर हैं, उनकी इज्जत अफजाई होती हुई उन्हें शॉल और गुलाई मोहब्बत पेश किए जा रहे हैं। 2 ओवर और 28 रन, अजय गरत क्या कहेंगे? कहने के लिए तो बहुत कुछ है इस मैच में, मुकाबला काफी रोचक स्थिति में है, कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा। वैसे भी क्रिकेट मान अनिश्चितताओं का खेल है और इसमें प्रेडिक्शन पूरी तरह से फेल है। मैच का सबसे किफायती ओवर किया अंजीर ने। खानोली से तशरीफ लाए हुए हमारे गैसुद्दीन फक्की साहब हैं, उनकी इज्जत अफजाई करने जा रहे हैं। और नौशाद पटेल सर से मैं कहूंगा कि गैसुद्दीन फक्की साहब की इज्जत अफजाई करें। मापुली सोसाइटी के माजी चेयरमैन माननीय श्री अनंत पाटिल जी हमारे बीच में, आइए उनका हम हार्दिक स्वागत करने जा रहे हैं। और शहजाद डोन से मैं कहूंगा कि अनंत पाटिल का सम्मान सत्कार और स्वागत करें, उन्हें वेलकम कहें। एक मिनट रुकना है, रोहन और सुमित ने महेंद्र को ऑल द बेस्ट कहा है। खेल की शुरुआत होती हुई 2 ओवर और 28 रन, देखना है दुआएं रंग लाती है या फिर दवा रंग लाती है, हवाएं रंग लाती है या फिर दवाएं रंग लाती है। हालांकि गैसुद्दीन है जो केपीएल करते हैं, वरुण पाटिल जो नगर सेवक है कल्याण डोमोली के, उन्होंने लाख लाख शुभेच्छा दिए मापुली क्रिकेट धमाका को के वाकई में दिस इज अ इनक्रेडिबल क्रिकेट शो। उनका शो मैंने किया था केपीएल में, ये देखिए ड्रोन कैमरे से लिया जाने वाला स्पाइडर कैम, जो पांचवा चौथा ओवर है उसमें रन कम बने। लौट चलते हैं क्रिकेट की तरफ, गेंदबाजी के लिए कंटिन्यू रखा गया है आकिब को, सामना करेंगे सचिन गायकवाड़। इस मरतबा आगे रखा था अपील LBW की, रन चुरा लिया बल्लेबाजों ने, अंपायर का इशारा अभी आया नहीं है। नीकेज ऑफ द बैट इस तरह बहुत ही महीन किनारा लगता है और गेंद शरीर पे टकराती, हर गुजरती गेंद के साथ अब क्लाइमेक्स बढ़ता हुआ, 60 रन हो चुके और जीतने के लिए अभी भी 27 रन, लेकिन जब तक गैसुद्दीन शेख रहेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तक बहुत ही ठंडे दिमाग से उन्होंने बल्लेबाजी की है और ये जो शांति है वो तूफान के आने से पहले की शांति भी हो सकती है। बिल्कुल, दो अच्छे बैट्समैन अभी भी क्रीज पे हैं, लेकिन बी इंडियन की तरफ से सबसे अच्छा ओवर करने वाले ओवर कर रहे हैं आकिब। कुछ भी हो सकता है, जब दो शेर टकराते हैं तो नतीजा यही आता है, क्योंकि लगाम घोड़ों को लगाई जाती है शेरों को नहीं। इस मरतबा गेंद को खेल दिया आउटफील्ड में, फील्डर मौजूद हैं, 1 रन। अब तो मानवीय समुद्र यहां नजर आ रहा है। जी हाँ, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मापोली का फौजी क्रिकेट ग्राउंड, यह आप देख सकते हैं दर्शक, इनके मन में भी कई तरह के सवाल आते रहते हैं। 10 गेंदे और 26 रन, इक्वेशन अभी भी उतना आसान नहीं है, लेकिन दो अच्छे बैट्समैन है। इस मरतबा हाई फुल टॉस गेंद थी, एलिवेशन नहीं बना, बहुत ही कड़क शॉट खेला वाइड स्मिथ विकेट पर, 1 रन। 3 गेंदे कर चुके इस ओवर में आकिब, 3 रन दिए, पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 10 रन दिए थे, बहुत ही किफायती गेंदबाजी, सिंगल से कोई परेशानी नहीं रहेगी यहाँ पर बी इंडियन के कैप्टन को। आप कुल मिलाकर 9 गेंदे और जीतने के लिए रन 25 चाहिए, इक्वेशन बहुत ही मुश्किल होता हुआ। जी हाँ, जैसे जैसे सिंगल बनाएंगे वैसे वैसे और भी कठिन ये इक्वेशन होता जाएगा। आकिब युवा गेंदबाज है लेकिन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए आकिब।
छोटी गेंद हुक कर दिया, छह रन गैसुद्दीन शेख ने। कमाल की टाइमिंग, इस बार थोड़ा सा रुके, इंतजार किया उन्होंने, गेंद को थोड़ा सा टर्न होने दिया, उसके बाद शॉट खेला और संपर्क बहुत ही बढ़िया। महत्वपूर्ण सिक्स, छह रन के लिए गेंद बाहर जाती हुई, छोटी गेंद थी। दोनों टीमों को एक बात का ध्यान रखना है कि अंपायर्स के सिवा अगर आपको गेंद में शिकायत है तो अंपायर से आप बात कर सकते हैं। अंपायर जो भी चाहेंगे उनको बदलना होगी, कोई भी टीम का खिलाड़ी अंपायर के पास भटकेगा भी नहीं। सेट बैट्समैन है इस समय गैसुद्दीन शेख क्रीज पर, लेकिन पिछली गेंद पर भटके थे गेंदबाज, छोटी गेंद की थी, पुल और पावरफुल छह रन भटके और उस पर पड़े फटके। अब आठ गेंदे बची है, आठ गेंदे और 19 रन। मैंने पहले ही कहा था कि गैसुद्दीन शेख जब तक रहेंगे आशाएं जीवित रहेंगी महिंद्रा की। आकिब इस मरतबा पुल किया है गैप में और गेंद जा रही है छह रनों के लिए बाहर। अच्छा प्लेसमेंट, एक और छक्का आ गया सुंदरन के बल्ले से, तीसरा सिक्सर निकला है उनके बल्ले से इस पारी में अभी तक, और गैसुद्दीन ही सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज है इस समय क्रीज पर। कहीं ना कहीं महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए फिर से पीछे रखा था, थोड़ा सा समय मिल गया गैसुद्दीन को, पुल किया उन्होंने, आम गेंद थी और बहुत जल्दी पढ़ लिया था उसको। विश्वनाथ नाइक ने कहा है कि टेनिस क्रिकेट का अभिमान है ये मापोली ट्रॉफी, उनकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज गुलवी ने महिंद्रा स्पोर्ट के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। चौहत्तर रन बने हैं, अब 13 रनों की जरूरत बची हुई सात गेंदों में, सात गेंदे 13 रन, ये गेंद तो बहुत कीमती है। आकिब इस मरतबा स्ट्रोक को चेक किया, स्ट्राइक अपने पास रखना चाह रहे हैं गैसुद्दीन शेख, एक ही रन लिया, एक ओवर और 12 रन, क्या होगा कोई नहीं कह सकता। अभी भी मैच में जान बाकी है और ये है भी इंडियन, इनके ऐसे ही मुकाबले होते हैं, हालांकि पहले दो ओवर में कोई और टीम होती तो आधा मैच छोड़ चुकी होती। क्या मैचेस हो रहे हैं आज, सुबह भी ऐसा ही समीकरण था पहले मैच में, छह गेंदे और 12 रन। वकी स्पोर्ट्स मापोली का जो मुकाबला रहा था बहुत ही रोमांचक। देखिए आपको अगर YouTube पे देखना है तो आपको कैपिटल इसमें टाइप करना होगा, भिवंडी क्रिकेट लाइफ, या फिर आपको मापोली क्रिकेट लाइफ 2017 कैपिटल वर्ड में आपको टाइप करना होगा। 16 रन आए पिछले ओवर से, अपना कोटा पूरा किया आकिब ने, दो ओवर में 26 रन खर्च किए, एक सफलता उनके नाम रही। कि अजय गरत मैंने कहा था कि सबसे बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुकाबला तो हो रहा है। जी हाँ, ये देखिए कंपैरिजन, पहले दो ओवर में महिंद्रा आगे, उसके बाद जो दो ओवर रहे थे उसमें पीछे रही थी महिंद्रा स्पोर्ट्स, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं बराबरी पर है अभी भी मुकाबला। लेकिन गैसुद्दीन शेख ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कहीं ना कहीं महिंद्रा के लिए, 10 गेंदों में 25 पे खेल रहे, दीवार बने हुए, देयर इज अ वॉल बिटवीन विक्ट्री एंड बी इंडियन, द वॉल इज टेरिफिक ऑलराउंडर बी इंडियन अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स गैसुद्दीन शेख। देखना है आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसके कंधों पर सौंपते हैं कैप्टन साहिबान फकी। हालांकि विकल्प है उनके पास, जीशान के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है, युवा गेंदबाज साकिब भी एक विकल्प के तौर पर थे लेकिन जीशान थोड़े से अनुभवी है तो उनके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी है। इस तरह के स्थिति से वो पहले भी गुजर चुके हैं, आपको याद होगा बी इंडियन ट्रॉफी का जो फाइनल था, पहला बी इंडियन ट्रॉफी, उसमें आखिरी ओवर किया था फाइनल का जीशान ने। बिल्कुल, और वहां पे उन्होंने 9 रन नहीं दिए थे जयेश पाटिल को, लेकिन वो जो कहते हैं कि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो मैच दूसरा था, मैच दूसरा है, और वो प्रेशर दूसरा था, ये प्रेशर दूसरा है। पैक क्राउड आप देख रहे हैं मापोली के फौजी क्रिकेट ग्राउंड पे,
से हमारे बीच महेश जादू जी आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, आपको वीआईपी पे आना है। 6 गेंदे 12 रन, कोई जबरदस्ती का मुस्कुरा रहा है तो कोई अपने सर पे हाथ रख रहा है, ना नाखून है फिर भी नाखून चबा रहा है, ये होता है। और उनकी आवाजें भी निकल रही है। जीशान पहली गेंद भेज दिया है, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। ये है भिवंडी के एबी डिविलियर्स। नहीं, इनके विरुद्ध तो आप थोड़ा सा भी लेंथ या लाइन में चूक नहीं सकते, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। 4th छक्का ग्यासुद्दीन के बैट से, क्या पारी खेल रहे हैं। ज्यादा शॉट नहीं थी लेकिन टाइम कितना है उनके पास। ये भिवंडी के एबी है, अब 5 गेंदों में 6 रन चाहिए। 31 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं ग्यासुद्दीन, केवल 11 गेंदों में, 5 गेंदों में 6। पहली गेंद पे सिक्सर लगाया है, इस मरतबा बहुत खूबसूरत शॉट लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन, क्लास शॉट। और आप देखिए इत्मीनान महसूस कर रहे हैं वहां पर अब्दुल्ला बाबे प्लेस पवेलियन में, आपको बिलाल शेख बाहर नहीं आना है प्लीज, मैच समाप्त होगा उसके बाद। ये तो बहुत ही आसान गेंद थी खेलने के लिए ग्यासुद्दीन जैसे बल्लेबाज के लिए, बहुत आसानी से मोड़ दिया था, कोई भी फील्डर नहीं था लॉन्ग लेग की दिशा में बाउंड्री पर। अब 4 गेंदों में 2 रन, और इस सीजन का ये सबसे हाईएस्ट चेसिंग है, अभी तक किसी ने भी 80 प्लस सिटी क्रिकेट में चेस नहीं किया। और इसके साथ ही महिंद्रा ने मैच जीता है, सेमीफाइनल में पहुंची है। कॉन्ग्रेचुलेशन एमएलए रुपेश मात्रे, लॉयन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे, महिंद्रा कैप्टन पपिया खारिक एंड महिंद्रा 8 लाख बी इंडियन 8 लाख पप्पू अंसारी। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने 39 रनों की बहुत बढ़िया बारी खेली, वो है भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स ग्यासुद्दीन शेख। एक यादगार मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला, दर्शक कभी भी भूलेंगे नहीं मतीन की बल्लेबाजी को, और ना ही भूलेंगे बिलाल और ग्यासुद्दीन शेख की बल्लेबाजी को। हार्ड लक मतीन, हार्ड लक बी इंडियन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस महिंद्रा स्पोर्ट्स। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी ग्यासुद्दीन शेख, ग्यासुद्दीन आपको मंच पर आना है। दोस्तों कहीं भी मत जाइएगा ग्राउंड को छोड़कर, आप पहला सेमीफाइनल मुकाबला देखने जा रहे हैं ग्रामीण से। हमारे बीच मुदस्सिम भावे साहब, यदि मुदस्सिम भावे साहब यदि मौजूद है तो उनसे मैं गुजारिश करता हूं आपको मंच पर आना है, शहजाद डोन के मामा श्री है और अदनान भावे के चाचा है, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आपको मंच पर आना है, आपका हार्दिक स्वागत है मापोली क्रिकेट धमाका में। ग्यासुद्दीन शेख मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, केवल 14 गेंदों में 39 रनों की पारी खेली उन्होंने, उनको सबसे पहले ट्रॉफी देंगे अफसर रईस, इनक्रेडिबल पारी के लिए इनक्रेडिबल ट्रॉफी उनको दी जा रही है। उसके बाद ग्यासुद्दीन फकी साहब के शुभ हाथों से उनको गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है, एनडी सप्लायर्स की ओर से जो दिया जा रहा है। उसके बाद महबूब राजस्थानी एक और गिफ्ट टेम्पर देते हुए शहजाद डोन की ओर से जो दिया जा रहा है, वेल डन ग्यासुद्दीन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेमीफाइनल। साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा बिलाल शेख और सचिन गायकवाड़ को, जिन्होंने कल छक्कों की हैट्रिक की थी, दोनों को भी आगे आना है, उनको चेक मिलेगा 770 रुपयों का जो फराज ठानवाल साहब की ओर से दिया जा रहा है। जल्दी आना है सचिन गायकवाड़ और बिलाल शेख।
सबसे पहले सचिन गायकवाड़, जनाब वसीम पटेल उनको चेक दे रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद बिलाल शेख आपको भी ऊपर आना है, श्रीकांत गायकर साहब उनको चेक देंगे। कल 17 गेंदों पर 52 रनों की धुआंधार पारी खेली थी बिलाल शेख ने वीरेन स्पोर्ट्स के विरुद्ध, जिसमें छक्कों की हैट्रिक शामिल थी। श्रीकांत गायकर साहब उनको चेक देते हुए, आइए अब लौट चलते हैं ग्राउंड की तरफ, जहां पर पहला सेमीफाइनल मुकाबला मापोली ट्रॉफी 2016-17 का अब शुरू होने जा रहा है। खेलने वाली टीमें हैं जय दुर्गा सुरई और मीत 11 कवाड़। दर्शकों से निवेदन है, आपको ग्राउंड में से नहीं जाना है, प्लीज